अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। तो आज है ईद का दिन, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सब बताएं, आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक आप सबको। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा छोटा सा कजन भी तैयार हो गया है। उमर की आज पहली ईद है। तो अभी मैं इफ्रा और मिनाहिल आ चुके हैं अपने घर के गार्डन में। यहाँ बहुत ज़्यादा सनी वेदर था, फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद हवा पे चलना। ईद वाले दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह से सबकी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग होता है। तो स्पेशली जो ईद होती है वो तो बच्चों की होती है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश थे और बहुत अच्छे से ईद को इंजॉय कर रहे थे। हो गई आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी है, बट गर्मी यहाँ पे बहुत। आज वैसे बिल्कुल गर्मी वाला है। अभी भी मेरे मुंह पे काफ़ी पसीना आ रहा है। हाँ, थोड़ी थोड़ी अभी हवा पे चलनी शुरू हो गई है, थोड़ी देर में वेदर अच्छा हो जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। धूप भी कम हो रही है, हवा भी चल रही है, इस वजह से काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे आप हमारे गार्डन को देख रहे हैं, कितना प्यारा है। इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जैसे शाम बाद में होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ उगते हैं और फ्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं और इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बाहरों से यहाँ आते हैं, जब भी हम दोबारा आते हैं तो यहाँ नए नए फ्लावर्स आए होते हैं जो बहुत ही प्यारे कलर्स के होते हैं। उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर हमारे पार्क में आपको पता होगा 3 झूले लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल एंड पापा। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। तो अंकल जी, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो कैसी ईद जा रही है आपकी? आपको बताते हैं ऐसा, जो खाना टेस्टी खाया ना इन्होंने, उसके बाद जो नींद आई है, सुभान अल्लाह। क्या खाया आपने? एक्चुअल मैंने ना कोरमा बनाया था घर पे ना, मैंने खुद अपने हाथों से जी। ठीक है, वो इतना प्यारा बना। उसके साथ मैंने 2.5 रोटियां खाई। ठीक है, और जो है वो फिर नहीं इस तरह नहीं करना। 2.5 रोटियां खा के और मैं सोया 11:30 बजे और उठा 3:30 बजे। वाह, क्या था कोरमे में? क्या था कोरमे में? कोरमा था और उसमें हम दोनों ने, आपकी आंटी ने और मैंने, दमाल डाली थी। आंटी वैसे भी डॉक्टर हैं, उन्होंने ड्रॉप्स भी डाले थे। आपने कभी सुना है कोरमा दमाल? खाइए कभी? नहीं। तो फिर ये स्पेशल डिश कहते हैं ना। अब अपने पापा से भी तो पूछो। तुसी की कह रहे हो? पापा, आपकी कैसी जा रही है? ईद वही सो के गुजरी है, आपके सामने ही है, कह रहा हूँ मैं भी। पापा, असल ईद का पता ना बड़ी ईद पे चलता है, छोटी ईद तो बस ईद ही हमारी होती है, बाकी आप लोगों ने देनी होती है। ईदी तो आप बच्चों की होती है, बड़ों की तो ईद ही कुछ भी नहीं की। तो मेरी तो यकीन जाने ऐसा, छोटे होते यकीन जाने जो ईदी थी, उस ईद में और इस ईद में क्या फर्क है? ऐसा फर्क पता क्या होता है? उस वक्त कपड़े इस्त्री करने, रात को मामा ने कहते रख के जूता खुद पॉलिश करना है। ठीक, उसे रख के सो के उठ के जनाब पहन के जनाब सबसे पहले ईद नमाज पढ़ के तो घूम रहे हैं, गोले खा रहे हैं, चाटे खा रहे हैं, वो वाली चाटे ठा वाली नहीं, फ्रूट चाट या आलू छोले चाट, वो वाली चाट। बड़ा मजा था ऐसे, बड़ा पीठी वाले नान खा रहे हैं। पीठी वाले नान क्या बात है इरफान भाई, उस वक्त खाने की मजा था। टब में लगी बोतलें हैं, नंबर 1 बोतल। ठीक है जी, अब तो वो बोतल का मजा ही नहीं है, अब तो इसमें भी वो आपको पता ही नहीं है। और हमारे जो वालदैन थे उनका बचपन जो था, तो उनको जाहिर बात वो उससे सुनहरा होगा। ऐसी बात है, जब वो इस तरह का नफसा नफसी कम हो, नफसा नफसी
ऐसे ही ये हमारे ही खित्ते में है, जैसे ये बड़े सगीर का खित्ता है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये बांग्लादेश में तो खैर मैं कहूंगा कि उन लोगों ने जो है अप्रिशिएट करता हूं मैं कि उनका देखें कहां से कहां चला गया। ऐसे ही दुआ करें कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक जो है सलामत रखे, आमीन। क्योंकि देखें कैसा जो भी है मगर पाकिस्तान से हम फिर भी प्यार करते हैं। नहीं जी, हमारी तो मोहब्बतें हैं पाकिस्तान के साथ है, हमारा दिल ही पाकिस्तान के साथ है, कुछ ही और हमारा दिल ही पाकिस्तान के साथ है। और हमने इस्लाह कर ली और ये इंशाल्लाह होगा उस लाइन में जो दुनिया के सफे अव्वल के नंबरों में आएगा इंशाल्लाह। आपकी जुबान मुबारक करे, इतना प्यारा दिन है। इस दिन के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमारे मुल्क को जो है सलामत रखे। सारे बोले आमीन या रब्बल आलमीन। सो कल ईद का डे था, डे वन, तो हम कजन्स के साथ पहले खेले थे, हम खेल के उसके बाद नानू घर आ गए, उसके बाद वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया, वो खूब मस्ती की, डे बहुत अच्छा गुजरा। और ये आज ईद डे टू है, तो अब हम अगर जमीलों से कुछ बातें करेंगे और बाकी आज ये लोग इंटरेस्टिंग होने वाला है। नान को मज़ा आ रहा है, अंकल के घर आई हुई है मिनाहिल अंकल और आंटी से ईद मिलने आई हुई है, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, कल का ईद डे भी बड़ा अच्छा गुजर रहा था। हाँ, अभी आज हम अंकल के घर पे आए हुए हैं। और पापा आपको कैसा लग रहा है? हाँ बेटा, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ईद तो आप लोगों की है, बच्चों की। मैंने तो नींद ही पूरी की है ईद में। पापा हम सबको बस ईदी का होता है। आपने ईदी जमा कर ली है? बहुत ज्यादा हो गई है, 5,000 या 6,000 तक हो गई है। अच्छा, तो कौन आगे बढ़ा आप दोनों में से? मैं। अंकल, सो आज आपने खाने में क्या बनाया? आज हम लोगों ने बनाए हैं, ये देखो, ये नीचे करो, ये मटर पुलाव है, इस पे रायता है, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने बनाई है कोरमा, बीफ कोरमा, और ठीक है, और आपके पापा की फरमाइश पे जो है ये सारा कुछ बना है। और ऐसा में मुझे बोलना था जो स्वीट डिश के लिए ना, वो नाम मुझे भूल गया, मैंने वो शो इतनी खा रस्तो खुद दोस्त स्वीट डिश में क्या है ये खुद ही ले गए बोला था उसका नाम, तो उन्होंने मुझे ये पैक करके दे दी है। अब भाई साहब बताएंगे क्या निकलता है इसमें। ये जरा, थैंक यू सोनू आ जाओ बस। हाँ, सो यहाँ हमारे अंकल जी ने हमारे लिए कोरमा बनाया है और ये बना पापा की फरमाइश में। पूरे शेफ है। इन्होंने बहुत सूप भी बनाया था पे, ये कहते हैं तो बाबा अंकल खाली शेफ नहीं है, अंकल क्या कहते हैं शेफ भी हैं, टीचर भी रह चुके हैं, काफी ज्यादा मल्टीपल जॉब्स करते हैं। मैं प्लंबर भी हूं, इलेक्ट्रिशियन भी। उन्होंने भाई ऐसे करा जाए ना, तो कहते ने मैं ये टूटियां लाई हूं ऐसी, तो देखो जरा नवियां ऐसे पहले तो दूसरी लगी इसी की, मैं ये नवी अहे तुसी आप ही ला लिया? मैं कहा हां जी। अहे वो तलवार ले? मैं कहा हां जी। अहे ये भी तुसी? मैं हां जी। वो गोस लग। सो आप गाइस आप देख सकते हैं कितने मज़े के खाने हैं, कोरमा बड़े मज़े का था और राइस भी बहुत मज़े के थे, और साथ उन्होंने हमारी स्पेशल गोरमे की बोतल मंगवाई हुई थी, हमें तो बहुत मज़ा आया ये खाने में। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।